Assalamu alaikum class. Hope you will be fine. I'm also fine. I'm Vishan Saleem. And today we'll discuss about the analysis of wheat and beverages. So first of all, we will discuss about the analysis of wheat. It includes the introduction, then its significance, then structure of wheat grain, then its composition, then test for the gluten in percentage, that is a protein. Then test for the moisture content in wheat, and then test for the alcoholic acidity in wheat. So, introduction to wheat. Wheat is a grass, widely cultivated for its seed. यानी कि ये grass family से belong करती है, जिसको हम cultivated करते हैं widely इसके seed के लिए. क्योंकि ये the staple food human के लिए use होती है. So, इसकी बहुत सी species हैं, जो कि genus Triticum से belong करती है. लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है जो कॉमनली हमारे यहाँ कल्टिवेटेड होती है, इसको हम कहते हैं ट्राइटिकम एस्टिवम. सो अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी कि सारे कदीमा से हमें पता चलता है कि ये जो वीट है इसको काश्त किया जाता था फर्टाइल क्रिसेंट सॉइल में अराउंड द 9600 बिफोर क्रिश्चियन. सो वीट is grown on more land area than any other food crop. यानी कि ये सबसे ज़्यादा food crop काश्त की जाती है ज़मीन पर, जेर काश्त रकबा पर. So world trade in the wheat is greater than all other crop combined. सबसे ज़्यादा जो trade की जाती है जिस crop की, वो wheat है. 2017 के statistical survey के मुताबिक 772 million hectare टन्स जो है वो इसकी प्रोडक्शन है एनुअल, और 2019 में जो इसकी फोरकास्ट की गई वो 766 मिलियन टन्स है. सो मेकिंग इट्स द सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूस्ड सीरियल आफ्टर मेज, यानी कि मकई के बाद जो सबसे ज़्यादा सीरियल कास्ट होते हैं वो इसके हैं. इन सिंस 1960 यानी कि 1960 से वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ द वीट एंड अदर ग्रेन क्रॉप्स हैज ट्रिपल्ड, यानी कि इसकी तीनों गुना मकदार बढ़ गई काश्त करने की, एंड एक्सेप्टेड टू ग्रो द थ्रू द मिडल ऑफ द 21st century, यानी कि 21वीं सदी के वस्त से तो क्या की जा रही है कि ये फिर बढ़ती जा रही है. सो ग्लोबल डिमांड ऑफ वीट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू यूनिक विस्को इलास्टिक एंड द एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लूटेन इन प्रोटीन, यानी कि ग्लूटेन इन प्रोटीन जो इसमें मेजर कंटेंट है प्रोटीन का पाया जाता है इस वीट में, उसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है. यानी कि डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में अप्लाई होती है, यानी कि ये बेकरी ब्रेवरी वगैरह में इस्तेमाल होती है, उसके बाद ये एज अ स्टेपल फूड है, यानी कि इसकी डिमांड डे बाई डे इंक्रीज कर रही है. देन importance of the wheat. Wheat is an important source of carbohydrate globally. It is the leading source of the vegetable protein in human. यानी कि ये जो सबज पत्तों से हासिल, पौधों से हासिल होने वाले जो प्रोटीन होती है, यह सबसे बड़ा सोर्स होता है ह्यूमन में. यानी कि प्रोटीन कंटेंट ऑफ 30%, यानी कि इसके जो 30% कंटेंट है वो प्रोटीन का, विच इज रिलेटिवली हायर टू द अदर मेजर सीरियल बट रिलेटिवली लो इन प्रोटीन क्वालिटी फॉर स्पोर्टिंग द एसेंशियल एमिनो, यानी कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है. यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो हम प्लांट से लेते हैं वो सीरियल प्लांट है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसकी जो प्रोटीन होती है इसकी को क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होती कि वो हमें एसेंशियल एमिनो एसिड प्रोवाइड कर सके हमारी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए. सो उसके लिए हमें और सोर्सेज लेना पड़ते हैं. सो व्हेन द ईटन एज ईटन द होल ग्रेन विच इज़ अ सोर्स ऑफ मल्टीपल न्यूट्रेंट एंड डेट्री फाइबर्स इन स्मॉल पार्ट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन ग्लूटन द मेजर पार्ट ऑफ द वीट प्रोटीन कैन ट्रिगर द कोलिक डिजीज नॉन कोलिक ग्लूटन सेंसिटिविटी एंड ग्लूटन अटैक्सिया और द डर्माटाइटिस हाइपरटीफॉर्मेसी. यानी कि ये सभी डिजीजेज हैं जो एसोसिएटेड हैं विद द ग्लूटन ही नहीं, यानी कि जो इसके फ़ायदे हैं कुछ हैं, इसके नुकसान भी हैं. सो ये बात की बात है. स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रीन, यानी कि एक जो दाना है इसके स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. मेजर बात करेंगे हम, इसमें तीन चीज़ें होती हैं. सबसे ऊपरी हिस्सा ब्रान है, इसके नीचे जो मिडल पोर्शन है उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, और इसके बॉटम में होता है एम्ब्रियो. सो ब्रान इज आउटर कवरिंग एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीड, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा जैसे हम चोकर वगैरह जैसे बनते हैं इसको हम कहते हैं ब्रान, उसके नीचे एंडोस्पर्म है,
ये स्टोरेज की होती है फूड इन्होंने, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि जब उसने ग्रो करना होता है एम्ब्रियो ने, तो उसको फूड प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एम्ब्रियो, इससे प्लांट निकलता है छोटा, ठीक है, सीडलिंग, देन ये फिर बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। द कम्पोजिशन ऑफ ब्रान फॉर हेल्दी सीड इज़ अबाउट 14% एंड फॉर वीक सीड इज़ 25%, यानी कि जो पुअर सीड होगा उसमें 25% होगा, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रान, यानी कि ऊपर का छिलका जो होगा उसका 25% होगा, यानी कि उसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो कम हो गए। द एंडोस्पर्म इज 83% फॉर हेल्दी एंड 75% फॉर अ वीक सीड, एंड एम्ब्रियो इज 4% फॉर हेल्दी एंड फॉर वीक इट इज एबसेंट एट ऑल और 2 to 3%। सो दैट इज द जनरल स्ट्रक्चर एंड कैन सी हियर एनाटॉमी ऑफ द ग्रेन, द एंडोस्पर्म, द एम्ब्रियो, द ब्रान, सो एंडोस्पर्म एंड इट्स वेरियस कंपोजिशन दैट इज गिवन। कंपोजिशन ऑफ द वीट, इट्स मेजर कंटेंट, सो वीट ग्रेन कंटेन अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर द विटामिन लाइक ए बी ई राइबोफ्लेविन एंड मैनी अदर लाइक दैट। सो कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च ग्लूकोज आर आल्सो प्रेजेंट इन इट, एंड फाइबर दैट इज अ डाइटरी फाइबर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। द रोल ऑफ डाइटरी फाइबर इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ क्रिटिकल वन। एंड प्रोटीन लाइक ग्लूटन इन ग्लाइडिन एंड द हेल्दी फैट एज वेल प्रेजेंट इन द सीड्स। द प्रोटीन लाइक ग्लूटीन एंड ग्लाइडिन आर फाउंड इन 12% इन क्वान्टिटी विथ द मेजोरिटी कम्स फ्रॉम द एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो आर द मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोटीन इन सीड्स। वैन अ वाटर एडेड इन वीट फ्लोर दीज टू प्रोटीन कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोटीन कॉल्ड ग्लूटन। सो दैट इज द एनाटॉमी ऑफ सीड। देन इट कंटेन ब्रान कंटेन द विटामिन बी मिनरल फाइबर्स, एंड देन द एंडोस्पर्म कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट विटामिन बी प्रोटीन, एंड देन द एम्ब्रियो आर द जर्म सेल कंटेन विटामिन बी ई प्रोटीन एंड हेल्दी फैट एज वेल। सो दीज आर द टू प्रोटीन दैट इज ग्लाइडन एंड ग्लूटिनिन। सो ग्लाइडन आर द बीड लाइक द स्फेरिकल इन शेप, एंड द ग्लाइडन आर द लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ द प्रोटीन्स। सो वैन द वाटर इज एडेड दीज टू बिकम क्लोजर टू इच अदर एंड फॉर्म अ एग्रीगेशन। दिस एग्रीगेशन इज कॉल्ड ग्लूटन, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लोर, वीट फ्लोर। सो टेस्ट वन इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्लूटन कंटेंट इन द वीट फ्लोर। सो वट इज अ ग्लूटन? ग्लूटन इज अ प्रोटीन इन वीट प्रोडक्ट्स। इट इज फाउंड वन टू ऑफ द प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वीट कम इन कंटेक्ट विद द वाटर एंड फॉर्म अ इंटरमीडिएट प्रोटीन दैट कंटेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ कॉल्ड ग्लूटन। सो प्रोसीजर, वेट ऑफ द 25 ग्राम ऑफ द फ्लोर इज ट्रांसफर्ड इन टू 100 ml बीकर, एंड देन एड 15 ml of water and make a duff. Add sufficient amount of water to deep the duff it for 15 minutes. Then take duff out from water and place in a wheat of bolting silk cloth and wash slowly under tap of water. Spread the silk tight on the porcelain plate to facilitate scraping. Collect the residue to form ball and remove the excess water by squeezing the duff in the palm. Take the weight of the gluten, dry it in the oven for 5 minutes at 15 Celsius, and take the weight of the dry gluten. Now calculate the weight again which is as given. So इसमें procedure दिया हुआ कि आप 25 ग्राम क्या 25 ग्राम वीट फ्लोर यूज करें, उसमें 100 ml बीकर में, उसमें 15 ml वाटर डालें, फिर इसको डाफ बना लें, यानी कि इसका एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लें, फिर इसको आप ओवन में रखें, इसको ड्राई करें, डाफ बनाने के बाद इसको वाटर के अंदर डिप करें, उसके बाद वाटर में से इसको निकाल के इसको प्रोसिलियन
शीट पर रखें उसको, बाद उसको ड्राई करें और 5 मिनट के लिए 105 सेल्सियस पे ओवन में रखें। उसके बाद इसका वेट डिटरमाइन करें और इस फार्मूला की मदद से आप इसका वेट डिटरमाइन करें। इसका 25 ग्राम के लिए जो वेट निकलता है इसमें 17.51 ग्राम जो है वो ग्लूटेन इन कंटेंट। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2, डिटरमिनेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। तो इसके लिए एक प्लेट प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, ग्राइंडिंग व्हील होती है, मॉइस्चर डिशेज होती हैं, इलेक्ट्रिक ओवन होती है, डेसिकेटर होता है जिसमें डेसिकेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं कि आप इन्वर्टेंडर रोल द कंटेनर फॉर सर्वर टाइम टू इंश्योर द होमोजीनियस मिक्सचर। क्या आप एक मिक्सचर बनाते हो फ्लोर का, तो उस जो कंटेनर को आप इनरोल करते हो, इन्वर्ट करते हो सर्वर टाइम, ताकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। इसके बाद आप अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वाइल ओपनिंग द कंट्रोल कंटेनर फॉर एनालिसिस। यानी कि आप टेम्परेचर मॉडरेट उसको अप्लाई करते हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हो तो उसका मॉइस्चर कंटेंट लूज़ हो जाए, या ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हो कि मॉइस्चर कंटेंट दोबारा से उसमें ऐड हो जाए एक्सटर्नली। तो मॉडरेट कंडीशन आप अप्लाई करते हो, फिर आप उसको लोड करते हो मॉइस्चर कंटेंट। तो प्रोसीजर क्या है कि मिक्स द सैम्पल एंड ग्रेन सूटेबली टू गिव द सफिशेंट ग्राउंड मटीरियल फॉर डिटर्मिनेशन। देन द वेट एक्यूरेटली अबाउट 5 ग्राम ऑफ सैम्पल इन प्रीवियसली ड्राइड। उसके बाद आप उसको ओवन में रखते हो 2 आवर्स के लिए 130 सेल्सियस पर। उसके बाद उसको आप कूल करते हो, फिर उसको वेट करते हो। द डिश शुड बी प्लेस्ड बैक इनटू द ओवन एट हाफ आवर। उसके बाद फिर आप एक हाफ आवर के लिए यानी कि आधे घंटे के लिए उसको रख देते हो अंटिल द कॉन्स्टेंट वेट इज़ अचीव्ड। उसके बाद आप कैलकुलेशन अप्लाई करते हो, W1 मॉइस्चर परसेंटेज इज इक्वल टू W1 माइनस W2 इंटू 100 ओवर द W1 माइनस W। सो W1 क्या है कि वेट ऑफ द डिश मटीरियल बिफोर ड्राइंग, एंड W2 इज़ द वेट आफ्टर ड्राइंग, एंड देन W इज़ द वेट ऑफ एम्प्टी डिश। एंड देन केयरफुल एस्टिमेशन जो आपके पास इसका मॉइस्चर कंटेंट निकलते हैं वो 14.5% होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्कोहलिक एसिडिटी इन वीट फ्लोर। सो इसमें जो रीजेंट यूज होते हैं, न्यूट्रल इथाइल अल्कोहल 90% वेट वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 0.05 नॉर्मल, देन फिनोल विथ अ लीन इंडिकेटर। सो प्रोसीजर क्या है कि आप वेट ऑफ 5 ग्राम सैंपल इज स्टॉपर्ड कॉनिकल फ्लास्क एंड एड द 15 ml ऑफ द न्यूट्रल इथाइल अल्कोहल, देन स्टॉपर स्विरल जेंट्री एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 24 आवर विद ओकेशनल स्पिलिंग। देन फिल्टर द अल्कोहल एक्सट्रैक्ट थ्रू अ ड्राई फिल्टर पेपर, टाइट्रेट द 10 ml ऑफ द अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट विद द स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू अ पिंक एंड वाइट यूजिंग फिनोलेथिलीन एज इंडिकेटर, एंड देन द कैलकुलेशन अप्लाइड एज द H2SO4 ऑन ड्राई बेसिस एंड देन द वॉल्यूम ऑफ टाइटर इन टू द 0.0245 × 50 × 100 × 100 ओवर 10 इंटू वेट ऑफ सैम्पल इंटू 100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट, देन यू कैन फाइंड इजिली द अल्कोहलिक एसिडिटी। इट इज़ मोर लाइक अ टाइट्रेशन, एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ सोल्यूशन ऑफ द 5 ग्राम ऑफ सैम्पल इन एन 90% अल्कोहल, देन टाइट्रेट इट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई यूजिंग द फ्लोरोफथलीन एज अ इंडिकेटर, एंड फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस द एसिडिटी ऑफ द अल्कोहलिक एसिडिटी ऑफ द वेट फ्लोर। सो थैंक यू, दैट्स दैट।